Hello friends, I'm back with another Adobe Muse video tutorial, and in this tutorial I'm going to show you how to change a background in any website. So let's do it. सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ करने क्या वाला हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने सेट किया हुआ है, ये देखिए, ये हमारा किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ये बैक में है। तो कैसे हम लोग इस टाइप की बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आज यही दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपली से कट कर देता हूँ और मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं मास्टर पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारे पे बैकग्राउंड जो है सारे पे एक ही बैकग्राउंड सेट हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मास्टर पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके मैंने खोल लिया। उसके बाद आप लोग क्या करना है, विजेट एंड लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लाइड शो पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको यहाँ फुल स्क्रीन दिख रहा है, ये फुल स्क्रीन स्लाइड शो है। आपको क्या करना है, इसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपकी कैनवस पे। ये मैंने कैनवस पे ड्रॉप कर लिया। ये देखिए, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 3 इमेज पहले से इम्पोर्ट है। इसका ये यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है कि आपने कितनी इमेज ली हुई है। यहाँ पे 1/3 दी हुई है, मतलब अपने पहला इमेज पे है और 3 इमेज इसमें ली गई है। मैं आपको सिंपली इसको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, सारे पे सेट हो चुके हैं। मैं आपको सिंपली प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ कि ये क्या है। ये देखिए, ये हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया है। अब चलिए कुछ अलग करते हैं। ये देखिए, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है। ये देखिए, मैं इसे चेंज करता हूँ। मास्टर पे गया, ब्लू आइकन पे क्लिक करना है आपको। ये जो ब्लू है छोटा सा, ये जो आपको हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, इसको आप वर्टिकली भी कर सकते हैं और फेड भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये फेड हो, फेड देखने के लिए ज़्यादा प्रोफेशनल दिखती है। प्रीव्यू इन द ब्राउज़र करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब जो बैकग्राउंड चेंज होगी वो फेड होके होगी। ये देखिए, हो गई। अब मैं आपको इसे होम पे प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी जो पीछे बैकग्राउंड चेंज होगी वो फेड होगी। देखिए फेड ट्रांजेक्शन, ये देखिए फेड ट्रांजेक्शन आ गई। तो चलिए, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे प्रोफेशनल बनाऊँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, एक ही बैकग्राउंड लूँगा। मैं 3 नहीं दूँगा यहाँ पे। आप चाहे तो 3 कर सकते हैं, आप चाहे जितने भी कर सकते हैं, यहाँ पे जितनी मर्जी चाहे उतनी ले सकते हैं। मुझे लेना है यहाँ पे एक ही लेना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ब्लू आइकन पे क्लिक किया, फोल्डर पे गया, इस फोल्डर एड इमेज पे क्लिक करना है और मैं एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे ये चूज़ कर लेता हूँ, ये बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसे मैं चूज़ कर लिया। ये देखिए, अब 1/1 गाइड कर रहा है, इसका मतलब ये एक ही इमेज है इस पर। अब मैं चाहता इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंडिकेट यहाँ पे दिखाई ना दे, तो सिंपली आप यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल डिलीट करनी है तो आपको एक पे क्लिक करके शिफ्ट को होल्ड करके आप जितनी चाहे उतनी सेलेक्ट करके एक ही बार में आप सबको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं चलिए सिंपली डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे पे एक ही बैकग्राउंड चेंज हो चुके हैं। अब मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ होम को। ये देखिए, ये हमारा डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड सेट हो गया। अब आप जितनी भी पेजेस बनाएंगे, जितने भी यहाँ पे पेजेस करते जाएंगे, ये डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड उस पर सेट होती जाएगी। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं और आप जो मर्जी चाहे वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और जितनी मर्जी चाहे उतनी इमेजेस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर मोर अपकमिंग वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन बेल बटन। पीस, जय हिंद।